नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर विस्तार में शनिवार को ही एक युवक की हत्या को लेकर सोमवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया। चारों व्यक्तियों ने प्रारंभिक पूछताछ में युवक की हत्या आपसी रंजिश को लेकर करना बताया। मृतक भरत शर्मा की कुलदीप सिंह में भंवर सिंह बीच 8 माह पूर्व किसी मामले को लेकर आपसी रंजिश के चलते अदावत हो गई, जिसकी कुलदीप व भंवर सिंह खुंडक पाले बैठा था। इसी को लेकर शनिवार देर रात को शराब के नशे में अपने 5 साथियों को लेकर भरत को सबक सिखाने की नीयत से निकल पड़ा। वे दीपक जांगी, डिगेश्वर दशरथ सिंह व देवेंद्र कोहली के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा। दीपक व देवेंद्र का भरत के साथ आना जाना व उठना बैठना था। इसी योजना अंतर्गत दीपक जांगी व देवेंद्र ने फोन कर घर से बाहर बुलाया। वे उसे शीजी विहार कॉलोनी स्थित फूकड़ में ले गए, जिस पर उन्होंने भरत पर पाइप व सरियों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। भरत वहीं निडाल होकर गिर पड़ा, वे मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान भरतलाल शर्मा पुत्र मांगीलाल शर्मा पटेल नगर विस्तार निवासी के रूप में हुई थी। प्रतापनगर थाना पुलिस के लिए यह मामला चुनौतीपूर्ण था, जिस पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा व गजेंद्र सिंह जोधा व सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह के सुपरविजन में अलग अलग टीमें बनाकर मामले को गंभीरता से लिया, जिस पर प्रतापनगर थानाधिकारी भजनलाल के नेतृत्व में टीम का गठन कर अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी। आरोपियों की भिनाय थाना क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने अजमेर जिले के थाना अंतर्गत एकल सिंगा गांव के एक फार्म हाउस से दबोचा व चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, 26 तारीख को हमें करीब सुबह 3 बजे सूचना मिली थी कि कोई क्या व्यक्ति यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, श्री जी विहार कॉलोनी है वहाँ पे। सूचना पर वहाँ पहुँचे, हमने जो उसको पता किया कि व्यक्ति कौन है, उसके परिजनों को बुलाया मौके पे, तो उस पर हमें मांगीलाल जी है, उन्होंने हमें रिपोर्ट कर दी कि मेरे बेटे को मैं घर पर छोड़ दिया गया था, फिर अज्ञात व्यक्ति को लेके चले गए उनको और उसको मार दिया। इस पर हमने अज्ञात जो आरोप मुलजिम है उनकी हमने तलाश शुरू करी। श्रीमान जो हमारे एडीसी साहब, सीओ साहब और भी उच्च अधिकारी हमारे यहाँ मौके पर आए, हमें आवश्यक निर्देश दिए, टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्परता से और गहनता से अनुसंधान करते हुए मुलजिमों का पता किया, जिसमें अभी तक हमारे सामने 6 आदमियों के नाम आए, उसमें से 4 को हमने जो मुख्य मुलजिम उनको गिरफ्तार कर लिया। उसमें से एक का नाम कुलदीप सिंह है, एक भंवर सिंह है, एक डिगेश्वर है और एक अन्य, 4 को हमने गिरफ्तार कर लिया तो बाकी इतराज है। क्या कह रहा था इसमें मेन तो सर, इसके पहले छोटी मोटी कोई भी इस तरह की रंजिश थी जो मुलजी में उनके और मृतक के, तो उस रंजिश के चलते इन्होंने शराब पी। शराब के बाद में जो एक दीपक जांगीर जो आरोपी हमने गिरफ्तार किया अभी, उसको उस पर जो मरता के वो विश्वास करता था और उसको रात के अंदर उसको लेने के लिए भेजा कि कोई काम है और तुम्हारा अर्जेंट और चल के आते हैं। उसके दीपक जो जांगीर है उस पर विश्वास किया उसने मृतक ने और उसके साथ गया। जैसे ही वो घटनास्थल में वहाँ पहुँचा, ये लोग पहले से घात लगा के बैठे थे हथियार से ही, जैसे वो पहुँचा उस पर ताबड़तोड़ हमला किया उन्होंने और उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसको मार दिया। चारों आरोपी यहीं के हैं? चारों आरोपी यहीं भीलवाड़ा की। रंजिश किसी महिला से जुड़ी मामला? नहीं, महिला का अभी नहीं है सर, उसमें आपस में ये आरोपी और मृतक कभी आस पास में रह रहे हैं, उनके कोई अन्य बात करने का रंजिश लोहे की पाइप सरिये डंडे। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।